हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मैं हूं अलीशा और आज मैं आपको सिखाऊंगी एक छोटा सा पाउच बनाना तो उसके लिए 11 बाय 8 इंचेस के हमें सबसे पहले दो क्विल्टेड पीसेस चाहिए होंगे उसके बाद यहां पर हमें चाहिए होंगे दो प्लेन पीसेस 11 बाय 8 इंचेस के ये एक और ये दो उसके बाद यहां पर हमें छोटे छोटे दो प्लेन पीसेस चाहिए जो कि होंगे फोर बाय टू के अब उसके बाद हमें चाहिए एट इंच की जिप एट इंच की ज़िप को इसके ऊपर रखेंगे और इसके बाद इसको ऐसे उल्टा फोल्ड करते हुए हम दोनों तरफ से सिलाई लगा देंगे ये देखें मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है अब इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे ऐसे करके मैंने इसको सीधा कर लिया अब इसके ऊपर हम प्रेस्टिज दे देंगे उसके बाद ये दूसरी तरफ से जोड़ेंगे तो सेम हमें करना है इसको ऐसे करके रखना है इसके ऊपर और उसके बाद ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी अब मैं इसको सीधा कर दूंगी सीधा करने के बाद हमें इसके ऊपर भी प्रेस्टिज दे देनी है मैंने यहाँ पर दोनों तरफ से इसको प्रेस्टिज दे दी है यहाँ पर भी हम सिलाई दे, दे देंगे ये देखिए ये एकदम रेडी हो गया अब इसके बाद हम लेंगे ये अपना क्विल्टेड पीस क्विल्टेड पीस को इसके ऊपर ऐसे करके रखेंगे उल्टा करके उसके बाद अपना प्लेन पीस लेंगे प्लेन पीस को हम इसके नीचे रखने वाले हैं तो ऐसे करके हम इसके नीचे रख देंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे सीधा कर देंगे ऐसे करके मैंने इसको सीधा कर दिया अब इसके बाद यहाँ पर हम अपना दूसरा वाला क्वेल्टेड पीस लेंगे और इसको हम इसके ऊपर ऐसे करके रखेंगे और सिलाई लगा देंगे ये देखिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ अब इसके बाद इसको ऐसे करके दूसरी तरफ टर्न करेंगे उसके बाद हम अपना प्लेन पीस लेंगे प्लेन पीस को उल्टा करेंगे और इसके ऊपर रख के हम सिलाई लगा देंगे अब इसके बाद ये देखिए मैंने प्लेन पीस अटैच कर दिया अब हम इसको सीधा कर देंगे ऐसे करके मैंने इसे सीधा कर दिया है अब इसके बाद क्विल्टेड पीस को क्विल्टेड पीस के साथ जोड़ते हुए हम इसके ऊपर क्लिप्स अटैच कर देंगे और इसको साथ में जोड़ देंगे ये देखिए ऐसे करके मैंने बिटवीन में क्लिप्स अटैच कर दिए हैं प्लेन पीस को प्लेन पीस के साथ जोड़ दीजिए और क्विल्टेड पीस को क्विल्टेड पीस के साथ देखिए मैंने इसको एकदम सेट कर लिया उसके बाद यहाँ पर बीच में मैंने प अटैच कर दिया अब इसके बाद यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर नहीं लगाएंगे ये वाला खाली छोड़ देंगे अब ये देखिए हमने लगा दिया सिलाई अब हम इसको सीधा कर देंगे तो सीधा करने के बाद यहाँ पर जो हमारा ये प्लेन पीस है ये जो खुला वाला पार्ट है इसका Osionfish. हम इसको सिलेंगे तो इसको पहले तो हम ना अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ऐसे इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे ये देखिए मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करके फोल्ड कर दिया और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। ठीक है मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और अब हम इसे अंदर डाल देंगे ये देखिए मेरा ये छोटा सा पाउच बनकर एकदम रेडी हो चुका है आप इसे एज अ वॉलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ पाउच की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर आप अपना मनी कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलती हूँ मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग